बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं भाई मनाल अब्दुल कुदूस झील के मकाम के ऊपर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आप देखें, ये मुहूडंड की तरफ अभी हम जा रहे हैं। हम कलाम से हमने सफ़र का आगाज़ किया था और कलाम के रास्ते में ये एक जो है ना वो झील अबुल मनाल अब्दुल कुदूस झील के नाम से ये मशहूर है। और यहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुल्क के दूर दराज हिस्सों से आते हैं और इस जगह पे आके क्याम करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये। इसकी चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये पहाड़ है इसकी तरफ। ये बैठने के लिए चार पाइयाँ मौजूद हैं। लोग इधर हट्स बना रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ मौजूद हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें आप, ये दरख्त। ये बहुत प्यारी जगह है। ये जहाँ यहाँ पिंक भी है जी, बच्चे पिंक पे झूले ले रहे हैं। ये पत्थर देखें आप। हमारे दोस्त मौजूद हैं वहाँ। ये देखें, ये मैं ऊंचे मकाम पे खड़ा हूँ। वो गाड़ी उनकी जैम हुई हुई है, गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। के रास्ते पे आती है। अभी मुहूडंड तकरीबन कोई 28 किलोमीटर आगे है। यहाँ हमें जो कोई घंटा लग सकता है, घंटा डेढ़ लग सकता है। ये आगे देखिए, यहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। सख्त जान जगह
कोशिश करें कि बना देवे अभी जो प्रोग्राम करे वो अपना जात चोटली वो चुको सिर्फ उन्होंने बंदे सिर्फ मैनेज करना दो चार 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 फुट का भी वैसे सिर्फ ट्रैक रह जाता पानी का ना इत बल जी आ गया जी माहौल आ गया जी माहौल के करीब आ चुके हैं उस अगले पॉइंट से चलनी उधर उधर फिर आ जाएंगे ¡Gracias!
अभी आप ये देख रहे होंगे कि आसमान कितना साफ है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। इधर आप देखेंगे सूरज है, ये हमारे सर के ऊपर बिल्कुल सूरज है। और अभी हम महूडंड में हैं, महूडंड झील जो है वहाँ मौजूद है। तो अभी हम आपको आसमान का नज़ारा करा रहे हैं जी। ये देखें आप, ये आसमान है जी। अभी हम आपको इसकी खूबसूरती दिखाते हैं, ये देखें। ये झील इस तरफ से भी आ रही है, इसका पानी इधर से भी आ रहा है। ये आप देखें, इसका पानी अब यहाँ से कैसे सुकून के साथ बह रहा है, कश्तियाँ इसके अंदर चल रही हैं। इसके अंदर वो घना जंगल भी है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये अब्दुल कुदूस झील है महूडंड रास्ते में। अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ और आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रवानी के साथ दरिया बह रहा है। और आप देखें तो हैरान रह जाएंगे कि शफाफियत देखें इसकी, पानी का बहना, उछलना, कूदना और शोर मचाना, ये एक एस्थेटिक सेंस को सेटिस्फेक्शन देता है।